हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ एएमएस एकेडमी। मैं युद्धवीर सर फिर से आपका वेलकम करता हूं एएमएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। तो स्टूडेंट, जैसा आप जानते हैं कि हम एवरेज की फर्स्ट क्लास ले चुके हैं, कल हम लाइव थे और इसमें हमने आपके सामने एवरेज के क्वेश्चंस को सोल्व किया था। और इसमें मैंने आपको बताया था कि कंसेक्यूटिव जो नंबर होते हैं या फिर एपी के जो होते हैं जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम रहता है, उस टाइप के क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कैसे किया था। लेकिन मैंने कल साथ साथ में एक बात और बताई थी। यस स्टूडेंट भाई, हाँ बिल्कुल कनेक्ट कर लीजिए। दिनेश कुमार, गुड मॉर्निंग सर। अनुज पनु, नमस्ते गुरु जी। के बी सिंह, राम राम सर जी, राम राम जी, आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट, फिर से हम शुरू कर रहे हैं क्लास के सेशन को। और आपको पता है कि पीछे मैंने लिखा हुआ है एवरेज, और एवरेज की ये क्लास टू है। अब सबसे पहला हमारा मेन मोटिव ये होगा कि एवरेज के कंसेप्ट को क्लियर करके चलेंगे, चाहे ये छह क्लास में या फिर सेवन क्लास, यानी कि जितनी भी हम लाइव आएंगे एक दूसरे के सामने, हम इनको कंप्लीट करके चलेंगे। तो देखिए, आज मैं जो एवरेज के क्वेश्चंस लेकर चलेंगे आज हम, इसमें रैंडमली नंबर भी पूछे जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। रैंडमली नंबर का मतलब होता है कि उनके बीच में कॉमन डिफरेंस कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है। तो उस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, एंड वी हैव टू फाइंड द एवरेज। और आपको मैंने पहले बताया था कि एवरेज का मतलब क्या होता है जी, औसत। क्या होता है? औसत होता है। एवरेज का मतलब होता है औसत। तो ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, इस बात को ध्यान से देखना है। औसत का मतलब, कल मैंने एक फार्मूला बताया था आपको कि एवरेज विल बी इक्वल टू, सिंपल भाषा में आप बोल सकते हो, टोटल डिवाइडेड बाय एन। यानी कि बहुत बड़ा लिखने की बजाय आप सिर्फ क्या बोल सकते हो, टोटल डिवाइडेड बाय एन लिख सकते हो। टोटल डिवाइडेड बाय एन का मतलब क्या हो गया यहां पर, यानी कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो स्टूडेंट क्या होगा, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। गुरुजी, एयरफोर्स में क्वेश्चंस आवे उसमें बता देना सर। डेफिनेटली जो भी मैं बताकर चलता हूं वो आपके किसी भी एग्जाम में आप अपियर हो जाना, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। राम राम जी, अर्जुन सिवाच भी आ चुके हैं, कृष्ण रांगी, वेरी गुड। जल्दी जल्दी कनेक्ट कर लीजिए और देखिए, बड़ा ही जबरदस्त सेशन होने जा रहा है और अब हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। चलिए मैं एग्जाम्पल लेकर चलता हूँ कुछ आपके सामने। जैसे मान लिया, मैंने एग्जाम्पल लिया 10 लिया जी, 15 लिया, 20 लिया, 30 लिया, 40 लिया, 50 लिया, यानी कि कुछ भी नंबर ले सकते हो आप यहां से। आप 45 भी ले सकते हो, इस टाइप से कोई नंबर ले सकते हो, और अगेन 60 ले सकते हो। ये लो जी, मैंने एक सिंपल क्वेश्चन लिख दिया ताकि एक एग्जाम्पल देकर आपको मैं समझा दूं। आपको एग्जाम्पल समझ में आना चाहिए, सबसे मेन बात यह है। तो अगर किसी बंदे ने बोला कि ये सर, ये कुछ एक नंबर दे दिया हमने आपको, एंड यू हैव टू फाइंड द एवरेज ऑफ दीज नंबर्स, इन नंबर्स की एवरेज फाइंड आउट करनी है जी, तो आप एक बात बताइए, इन नंबर की एवरेज अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो सिंपल क्या करना पड़ेगा, आंकड़ों का योग बोला मैंने, तो इन सबको ऐड करना पड़ेगा और फिर कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फार्मूला क्या है, टोटल डिवाइडेड बाई एन। तो देखो ध्यान से क्या लेकर चलेंगे आप, इन सबको ऐड कर दीजिए। आप इन सबको ऐड करेंगे तो ये 25 प्लस 20 45 प्लस 30 75, 75 यहां तक हो चुका है। इन दोनों को ऐड किया 90 हो चुका है, इन दोनों को ऐड किया 105 हो चुका है। इनको ऐड कीजिए, 90 आ गया, ये 75 आ गया, ये 10 हो गया, ये 7 आ गया और ये 2, यानी कि आपके सामने टोटल देखा जाए तो कितनी वैल्यू आ चुकी है, 272। इन नंबर्स को ऐड करना होता है जी, इस बात को अच्छे तरीके से समझ लेना। तो इन नंबर्स को अगर आप ऐड करेंगे तो 270 आ चुका है, यानी कि एवरेज का जो फार्मूला है वो क्या है जी, टोटल डिवाइडेड बाय एन। तो अब आप फर्दर कितने से डिवाइड कर देंगे इसको, 8 से। कितने से डिवाइड करेंगे, 8 से, क्योंकि नंबर ऑफ डाटा आपके सामने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है। और अब आप इसे डिवाइड करेंगे तो 8 या 24, 3 बच गया तो 30 हो गया, फिर से 8 या 24, फिर 7 बच गया, 8 8 64, फिर 6 बच गया, 8 7 56, इस टाइप से कोई नंबर आ गया आपके सामने। ठीक है, इस टाइप से कोई नंबर आ चुका है आपके सामने। तो यहां पर इस टाइप से अगर आप इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे तो खुद सोचकर देखो कि ये कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाती है। तो आंसर आपका यहां से देखा जाए तो कितना आ चुका है, 33.87 ये आ चुका है।
इस टाइप से इसको सोल्व करेंगे तो। लेकिन मैं आपको अपनी तरफ से कुछ और बात बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से सोल्व करना है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो देखो जी, ये नंबर्स आपके सामने थे। हम परसेप्शन होती है कि हम अजम्पशन क्या लेकर चलें, एक फार्मूले की तरफ रटा हुआ चीज ना करके हम क्या करें अपनी तरफ से। सोनू मोर राम राम जी, राम राम सभी को, राम राम जी, गुड मॉर्निंग। तो देखिए, ये राम राम जी आज कुछ ज्यादा कर रहे हैं, कल मंदिर का शिलान्यास हो गया इसलिए कर रहे हो क्या? राम मंदिर बन गया, तैयारी हो चुकी है तो इसीलिए सभी को राम राम याद आ रहा है क्या? चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए आइए, अब मैं जो सोचने जा रहा हूं इस बात को जरा ध्यान से देखना। मैंने क्या किया यहां पर, मैंने यहां पर किया कि इन नंबर्स में से कुछ भी एवरेज मान लो, इनके नजदीक मान लो, अपनी तरफ से एज्यूम करके चलो। और मैंने मान लिया कि जी एवरेज 40 है। कितना मान लिया? एवरेज 40 है, मैंने अपनी तरफ से मान लिया। एवरेज 40 का मतलब, सबसे पहले तो एक बात समझो, एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मीनिंग होता है कि हर नंबर वही हो जाना, यानी कि एक नंबर पर्टिकुलर हर नंबर को रिप्रेजेंट करे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 40 एवरेज है तो हर नंबर को 40 होना पड़ेगा। लेकिन आप एक बात बताओ, ये 10 है, ये कितना कम है? -30 है। एवरेज 40 है तो ऑब्वियसली बात है नंबर -30 कम है, ये नंबर -25 कम है, ये नंबर -20 कम है, ये नंबर -10 कम है, ये नंबर 0 कम है क्योंकि खुद अपने आप में एवरेज है, ये 10 ज्यादा है, ये प्लस का लेकर चलेंगे, ये 45 प्लस 5 लेकर चलेंगे, ये 60 है जी, ये 60 है तो कितना ज्यादा है? 20 ज्यादा है। सिर्फ आपको कंसेप्ट को समझना होता है कि इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आप कैसे सोल्व करेंगे। तो देखो ध्यान से, माइनस के नंबर है, कुछ प्लस के नंबर है, जरा ध्यान से देखना। 10 से 10 कैंसिल कर दिया मैंने, 20 से 20 कैंसिल हो गया यहां पर, और ये 5 प्लस का है और ये 25, तो -20, एक तरीके से देखा जाए तो माइनस का 50 आ गया। क्या आ गया? माइनस का 50 आ चुका है। और इस -50 को एवरेज में बदलने के लिए कितने से डिवाइड कर देंगे? कितने नंबर लेकर चले थे आप? 8 नंबर लेकर चले थे, तो जी डिवाइड कर दीजिए। आपने 50 को 8 से डिवाइड किया तो 8 से 48 दो बच गया, 8 दुनी 16 4 और 8 या 24, यानी कि एक तरीके से आपने 6.23 आ गया है। और यहां पर साइन किस चीज का था जी? माइनस का। साइन किस चीज का है? माइनस का। तो अब आप यहां पर आ जाइए, आपने एवरेज क्या मानी थी? 40, लेकिन माइनस का साइन आया है तो क्या कर देंगे? इसमें से -6.23 माइनस कर देंगे, तो 40 में से ये माइनस करेंगे तो आप एक बात बताइए, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 10 में यहां पर ये वैल्यू भी नियर अबाउट 7 और 8 के लगभग आएगी, और यहां पर यहां से वैल्यू अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये 9 हो चुका, 9 में 6 गया 3 और ये 3, 33.77 या 87 बोल लीजिए। तो इस टाइप से आप कैलकुलेशंस देखेंगे तो आपकी एवरेज बड़े ही आसान तरीके से आएगी। चलिए वन मोर एग्जांपल लेते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ध्यान से देखना, मैं जो यहां पर क्वेश्चन सोल्व करने जा रहा हूं, स्टेटमेंट लिखिए, जल्दी से जल्दी आंसर बताना है, स्टेटमेंट लिखते ही आंसर बताना है, ध्यान रखना। अब मैंने एक नंबर लिखा 84, एक नंबर लिखा मैंने 97, एक नंबर है जी 53, 59 और एक नंबर है 79। मुझे जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए और इसको सोल्व कीजिए, जल्दी जल्दी सोल्व कीजिए इसको। ये कुछ नंबर लिखे मैंने आपके सामने तो इसको चेक कीजिए। ट्रेडिशनल मेथड से तो सभी कर लेंगे, लेकिन जो मैंने आपको बताया है कि एवरेज इस टाइप से आप सोल्व कर सकते हैं, उससे आप कोशिश कीजिए कि हाँ सर हम ऐसे ऐसे कोशिश कर सकते हैं और इसको सोल्व किया जा सकता है, तो कोशिश कीजिए जल्दी जल्दी। बड़ा ही जबरदस्त तरीका समझने की कोशिश करना, अगर फिर भी अगर बाई चांस कोई डाउट लगे तो पीछे जाकर रिमाइंड करके बाद में देख लेना, आपके सामने वीडियो अवेलेबल रहेगी 24 घंटे के लिए। ये नहीं है कि सर आज आए हैं और फिर दोबारा वीडियो नहीं मिलेगी, हम इनको रिकॉर्ड करके YouTube पे भी डाल देते हैं। तो एक बात सोचिए, मैं यहां पर क्या करूंगा, ट्रेडिशनल मेथड में इन सबको ऐड किया जाएगा और कितने से डिवाइड करेंगे? 5 से। लेकिन ये एडिशन एवरेज में प्रॉब्लम कहां पर होती है स्टूडेंट? एवरेज में प्रॉब्लम तब होती है जब आपकी कैलकुलेशन कुछ बड़ी हो जाती है। आज उन कैलकुलेशंस को ही तो खत्म करना है। मैंने क्या किया, अपनी तरफ से इनका जो एवरेज है जी, मैंने 60 मान लिया। ये लो जी, बड़े ही ध्यान से चलना है कि
क्योंकि मैंने एवरेज को क्या मान लिया। नवीन कुमार गुड मॉर्निंग जी, नवीन कुमार भी आ चुके हैं। कृष्ण रांगी ने आंसर बताया 53, विक्रम सिवात ने आंसर बताया 74.4, सोनू मोर ने आंसर बताया 74.4। वेरी गुड वेरी गुड, आंसर आने लगे हैं लेकिन अभी पता लग जाएगा थोड़ी देर में। हाँ, विक्रम सिवाज ने बोला 33.75 होगा सर, वहां पर 7 नहीं 6 बचेगा। चलिए कोई बात नहीं, आप देख लेना उसको कैलकुलेट करके। बाय चांस थोड़ी छोटी गलती मुझसे भी होगी होगी, मैथमेटिक्स है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाती है। चलिए आइए जी, मैंने क्या किया यहां पर 60 मान लिया। एज्यूम कर लो अपनी तरफ से कि भाई इसकी एवरेज 60 मान ली, 84 है जी। प्लस का कितना ज्यादा है, 24 ज्यादा है। प्लस का कितना ज्यादा जी, 24 ज्यादा है। 97 है जी, प्लस का कितना ज्यादा, 37। क्योंकि अगर एवरेज मैंने 60 मानी है तो हर नंबर को 60 होना चाहिए, लेकिन हर नंबर 60 तो है नहीं। अब ये 53 है, इसका मतलब कितना कम है, -7 कम है। 59 जो है वो कितना कम है, -1 कम है। 79 जो है वो कितना ज्यादा है, +19 ज्यादा है या नहीं है। ऐसा करने से आपकी कैलकुलेशन काफी हद तक इजी हो जाती है, आसान हो जाती है, ये ध्यान रखना इस बात का। कंफर्मेशन है बिल्कुल। तो देखिए, अब आप इनको ऐड करना चाहेंगे तो माइनस के तो हो गए 7 और 1 8, और प्लस के इनको ऐड करो तो ये 37 हो गया, ये 19 हो गया। इनको ऐड करोगे 7 4 11 9 20, 2 3 3 6 और 2 8, यानी कि ये तो आ गया 80, और इसमें से माइनस 8 करेंगे तो कितना आ गया 72। किस चीज का आ गया, प्लस का आ गया। किस चीज का है, प्लस का। साइन मैटर करेगा यहां पर, ये ध्यान रखना, साइन मैटर करता है। और ये कितने नंबर्स थे, ये तो टोटल हुआ ना, तो 5 से डिवाइड कर दो इसको, 5 से अगर डिवाइड कर देंगे तो 5 एकम 5 2 5 चौक 20, और फिर 5 चौक 20, यानी कि इनको डिवाइड कर करके देखोगे 14.4 किस चीज का आया है, प्लस का आया है। तो जो एवरेज आपने माननी थी वो कम माननी थी, कितनी माननी थी कम, 14.4 कम माननी थी, तो प्लस का साइन था तो ऐड कर दो। आंसर फाइनली आपका क्या आ गया यहां से, 74.4 आ चुका है स्टूडेंट। तो आंसर कितना आ गया आपका, 74.4। यस वेरी गुड कृष्ण रांगी, फिर से देखना आप एक बार इसको प्रैक्टिस करके, आंसर जो एक्यूरेट है वो है जी 74.4। तो आंसर आपके सामने आ चुका है। रेंडमली नंबर है, कुछ भी नंबर हो सकते हैं, और उनका आपको एवरेज फाइंड आउट करना होता है। तो ये मैंने एवरेज सोल्व करने का एक सिंपल सा तरीका बता दिया है। चलिए जी एग्जांपल लेते हैं, और सिंपल सिंपल से एग्जांपल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, अगर मान लिया मैंने एक क्वेश्चन लिखा, ए बैट्समैन स्कोर इन इज 4 इनिंग्स रिस्पेक्टिवली 43, 39, 47 and 45। ये लो जी, ये लिख दिया मैंने आपके सामने। कोई भी बैट्समैन है वो अपनी बैटिंग में 4 इनिंग में ये रन बनाता है। फर्स्ट इनिंग में उसने 43 रन बनाए, सेकंड में 39, 47, 45, इस तरीके से उसने ये रन बनाए हैं। वह फिफ्थ इनिंग में कितने रन बनाए, पांचवी पारी में कितने रन बनाए कि उसका एवरेज जो है औसत रन संख्या 50 हो जाए, कि उसकी औसत रन संख्या क्या हो जाए, 50 हो जाए। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं आपको कंसेप्ट कुछ इस तरीके से लेकर चलूंगा कि जिससे आपको यह पता चल जाए कि सर एवरेज का फार्मूला ही जरूरी नहीं होता हमेशा यूज करना, हम जनरल तरीके से भी उसको और बड़े ही सिंपल मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। लेकिन मेन बात क्या है यहां पर, कंसेप्ट का समझ में आना। एवरेज का मतलब होता है औसत, यानी कि ये एक ऐसा वर्ड होता है जो अपनी पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट। अगर मान लिया एवरेज 50 चाहिए तो इस बात का मतलब पांच पारियों का एवरेज 50 कब आएगा, पांच पारियों का एवरेज 50 तब आता है जब हर पारी में 50 रन हो। पहली में भी 50, सेकंड में भी 50, थर्ड में भी 50, पांचों में 50, तो एवरेज कितना हो गया 50। लेकिन ऐसा पॉसिबल होता नहीं, तो किसी में कम है तो किसी में ज्यादा है, तो वो उसकी कमी पूरा करने के लिए जिसमें कम है वो ज्यादा रन बनाने पड़ेंगे दूसरे पारी में, समथिंग कुछ ऐसा होगा या नहीं होगा। तो ऐसा ही समझ कर चलते हैं हम। तो अब आप सिंपल तरीके से इसको सोल्व करते तो इसमें कैलकुलेशन मुझे नहीं पता, सभी जानते हैं फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं और सोल्व कर सकते हैं। अंकित गहलावत का आंसर आया जी 250,
76, चलिए जी 76, मनोज तवर का आंसर आया 76, वेरी गुड। इसका मतलब स्टूडेंट इंटरेस्ट ले रहे हैं और साथ साथ में आंसर भी बता रहे हैं। चलिए जी, मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर पांचों पारी का एवरेज अगर उसको 50 चाहिए तो हर पारी में 50 रन चाहिए, लेकिन ये तो 43 है जी, लेकिन ये तो 43 है, तो इसका मतलब कितने रन और बनाने चाहिए उसको इस पारी में, 7 रन और बनाने चाहिए तब जाकर उसका 50 होगा। 39 है, 11 और बनाने चाहिए, 47 है प्लस 3 और चाहिए, 45 है प्लस 5 और चाहिए, और पांचवी पारी में भी खुद कितने रन बनाने पड़ेंगे उसको, 50 रन बनाने पड़ेंगे तभी पांचों पारियों के क्या रन हो जाएंगे उसके, 50 हो जाएगा एवरेज उसका। तो देखिए इन सब को आप ऐड कर दीजिए, 11 और 7 18 और 3 21 और 5 26, 50 में 26 ऐड कर दोगे तो इस बात का मतलब क्या हुआ जी, आंसर आ चुका है। यस, अंकित गहलावत का भी आंसर 76 आ चुका है। आशु खत्री 174, नहीं जी गलत है, फिर से देखो, कोई बड़ी बात नहीं है, आप सोच सकते हो जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया है, क्योंकि क्वेश्चंस मैं आपको ऐसे बताऊंगा, ऐसे लेकर चलेंगे कि आपके माइंड में कोई डाउट ना रहे, सबसे मेन बात ये है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं, सेम इसी टाइप का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है कि ये बैट्समैन, फिर से ये बैट्समैन अपनी चार पारियों में जो रन बनाता है वो बनाता है जी 42, 48, 61, 57, उसने ये रन बनाए चार पारियों में। अब की बात, वह अपनी फिफ्थ इनिंग में, वह अपनी फिफ्थ इनिंग में कितने रन लेकर, कितने रन बनाए कि जो एवरेज है वो फिर से 50 हो जाए, कि जो एवरेज है फिर से क्या हो जाए जी, 50 हो जाए। तो देखिए आपके सामने है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, ए बैट्समैन मेक्स द रन इन हिज फोर इनिंग्स रिस्पेक्टिवली 42, 48, 61 एंड 57, ये चार पारियों के रन दे दिए, तो वो अपनी पांचवी पारी में कितने रन बनाए कि उसका एवरेज कितना हो जाए, उसका एवरेज 50 हो जाए। तो बात वही लेकर चलेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था कि एवरेज का मतलब होता है कि हर पारी में उतने ही रन होना, तो यहां पर 42 है लेकिन रन उसको चाहिए थे 50, तो इसका मतलब 8 और बनाने चाहिए थे उसको, 48 है तो इसका मतलब 2 और बनाने चाहिए थे, 61 है इसका मतलब 11 ज्यादा बना दिए तो माइनस कर दो इसको, निकाल दो इसमें से, 57 है 7 ज्यादा बना दिए तो इसका मतलब माइनस 7 कर दो इसमें से। अब देखो ध्यान से, और पांचवी पारी में खुद कितने रन चाहिए उसको, 50 रन चाहिए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, 42 42 42, वेरी गुड वेरी गुड, आंसर आने लगे हैं। तो यहां से देखो जरा ध्यान से, ये 8 और 2 10 और 50 ये तो हो गया जी 60, और 11 और 7 ये क्या हो गया जी 18, और इसको इसमें से माइनस कर दोगे तो उसका जो रन है वो कितने बनाने पड़ेंगे उसको उस पारी में, 42 रन बनाने पड़ेंगे, इससे उसका एवरेज कितना आ जाएगा जी 50 आ जाएगा, क्या जाएगा 50 आ जाएगा। तो आई होप आपको शायद ये जो कंसेप्ट मैंने बताया है समझ में आया होगा, स्टूडेंट कनेक्ट कर रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, साथ साथ में आंसर्स भी बता रहे हैं, वेरी गुड जी। या सभी का आंसर ठीक है, नितिन कुमार ने बस कुछ गलती कर दी शायद, थोड़ी बहुत 10 की ऊपर नीचे कुछ, कोई बड़ी बात नहीं है, इनको ठीक कर लीजिए। ओके जी, क्वेश्चंस की बात चल रही है, सोल्व करना है, कंसेप्ट क्या है वो लेकर चलेंगे, तो सबसे बड़ी बात ये है कि आइए काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर चलेंगे, और सबसे मेन बात क्या है कि एवरेज में जो है वो कैलकुलेशन मैटर करती है, हालांकि पूरे मैथ में ही कैलकुलेशन मैटर करती है तो बात है ही, लेकिन हमें उस कैलकुलेशन को, लंबी जो कैलकुलेशन है उसको अवॉइड करना है और कुछ नहीं करना। तो देखिए स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं, एक स्कूल में 42 लड़कों का औसत स्कोर, एक स्कूल में 42 लड़कों का एवरेज जो है, औसत स्कोर जो है वो 137 है जी, 137, और 98 गर्ल्स का, 98 लड़कियों का, गर्ल्स का जो एवरेज है वो दे रखा है जी 124, तो उस क्लास का टोटल एवरेज क्या होगा, उस क्लास का टोटल एवरेज क्या होगा ये फाइंड आउट करना है आपको। ये स्टेटमेंट है, फिर से क्लियर कर दूं मैं कि किसी स्कूल में, क्लास में 42 लड़के हैं,
जिनका एवरेज मार्क्स जो आए हैं वो 137 आया है, 98 लड़कियां हैं जिनका एवरेज मार्क्स कितना है 124 आया है। अगर आप इन सबको मिला दोगे, क्योंकि लड़के हो चाहे लड़कियां हो, ओवरऑल होते तो स्टूडेंट ही है ना, तो क्लास में क्या पूछा गया कि स्टूडेंट सभी स्टूडेंट का एवरेज क्या होगा। तो देखो ट्रेडिशनल मेथड से बहुत सारे स्टूडेंट इसको पता है कैसे सोल्व करेंगे, ये लीजिए जी मैं बता दूं साथ साथ में कि सॉल्यूशन क्या होने जा रहा है। वो करेंगे 42 मल्टीप्लाई 137 यानी कि लड़कों का टोटल प्लस 98 मल्टीप्लाई 124 लड़कियों का टोटल, इन सब को ऐड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर कितने से डिवाइड करेंगे, 42 डिवाइडेड बाय 98 से डिवाइड करेंगे। बिल्कुल किसी भी बुक में अगर आप कैलकुलेशन देखेंगे या जनरली 90% स्टूडेंट को देखा है मैंने, वो इसी तरीके से विक्रम सिवाच, हाँ जी समझ में आ रहा है, इसी तरीके से सोल्व करेंगे। लेकिन आपने लिख तो दिया इस लाइन को, लेकिन आप एक बात बताओ मुझे, इसे सोल्व करने में आप टाइम कितना लेंगे। सबसे मेन बात यह है, सबसे बड़ी बात यह है, इसे सोल्व करने में आप टाइम कितना लेंगे। भाई मैं तो नहीं सोचता कि ये कैलकुलेशंस वगैरह करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। अभी जो मैं बताकर चला हूं उसको देखना और इसको देखना, कंपेरिजन लेकर चलना, आपको पता लग जाएगा। देखो जी इस साइड तो मैं बॉयज लिखकर चल रहा हूं और यहां पर मैंने गर्ल्स लिखे हैं, बॉयज 42 थे और लड़कियां कितनी है 98। रेशो में लेकर चलेंगे क्योंकि रेशो से क्या हो जाएगा, मैं यहां पर 14 से डिवाइड किया 3 पर गया और ये डिवाइड किया 7 पर गया। हाँ जी आंसर बताया है 120, नहीं कुछ लंबाई ले गए आप तो आंसर, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लंबाई ले गए, कहीं ना कहीं कुछ गलती की है। ठीक है जी, लड़कों का औसत 137 है, लड़कियों का औसत 124 है। मैंने मान लिया कि औसत 130 है, नियर अबाउट जीरो के नजदीक माना करो, जीरो के नजदीक। अब देखना कि क्वेश्चन को कितने सिंपल कैलकुलेशन से सोल्व करेंगे। अब एक बात सोचकर देखो, मैंने यहां पर एवरेज 130 मान लिया, लेकिन लड़कों का एवरेज कितना है, 7 ज्यादा है, प्लस 7, तो एवरेज 7 ज्यादा है तो टोटल कितना ज्यादा हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया यानी कि आ गया प्लस 21। लड़कियों का औसत 124 है, इसका मतलब माइनस 6 कम है, कितनी लड़कियों पर, 7 लड़कियों पर मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया जी माइनस 42, तो प्लस का 21 आ गया और माइनस का 42 आ गया, और इनको आपस में ऐड करोगे तो माइनस का 21 हो गया, माइनस 21 कितने बच्चों पर, 3 और 7 10 पर, क्योंकि 3 लड़के हैं रेशियो में जो आया है और 7 क्या आए हैं लड़कियां, तो 3 और 7 को ऐड कर दोगे तो 10 हो गया, तो इसे ऐड करोगे तो -2.1 होगा या नहीं होगा, तो -2.1 साइन किस चीज का आया है, माइनस का, तो जो आपने ये मानना था इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो फाइनल आंसर आपका क्या आ जाएगा, 127.9। मैं ये कहता हूं कि ध्यान से देखो जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया है, अगर ये कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो फिर इतनी बड़ी कैलकुलेशन से पीछा छूट जाएगा, ये गारंटी है मेरी। बड़ी बड़ी कैलकुलेशन लेकर नहीं चलना होता, छोटी कैलकुलेशन से ही काम चला लेना होता है, सबसे मेन बात यह है। चलिए जी ऐसा ही क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूं, शायद जो मैंने साइड में बताया है वो आपको समझ में आया होगा जरूर। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मैंने क्या किया था, फिर से बता दूं, यहां पर 42 लड़के थे 98 लड़कियां थी, रेशो से डिवाइड कर दिया 14 42 14 98 में, और फिर मैंने एवरेज मान लिया अपनी तरफ से इनके बीच का 130, लेकिन लड़कों का एवरेज 137 यानी कि 7 ज्यादा हो गया, कितने पर, 3 पर, तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्लस का 21 आ गया, यहां पर माइनस का 42 आ गया, एड किया आपस में तो माइनस का 21 हो गया, टोटल कितने बच्चों पर, 3 और 7 10 पर, 10 से डिवाइड कर दिया, माइनस का साइन है तो माइनस कर दोगे इसमें, और प्लस का साइन है तो प्लस कर दोगे। तो आई होप आपको अब ये समझ में आया, क्लियर है, ऐसा ही क्वेश्चन लेकर चल रहा हूं अब आगे। तो लिखो एक्स वाई जेड 3 क्लास है, एक्स वाई जेड 3 क्लास है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से समझना। औसत एवरेज जो दे रखा है वो दे रखा है जी 83, स्कोर जो दे रखा है वो 83, 76 एंड 85, ये एवरेज दे रखा है तीनों क्लास का, और इन तीनों क्लास में स्टूडेंट की जो रेशियो है, वो दे रखी है जी 27, 36 और 45, ये वैल्यू दे रखी है।
तो इन तीनों क्लास का टोटल कुल मिलाकर एवरेज क्या होगा? टोटल एवरेज क्या होगा आपसे पूछा है, टोटल एवरेज क्या होगा? तो देखो कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल फार्मूले से अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या कैसे करते हैं, 27 गुना 83, क्योंकि सेक्शन एक्स में 36 गुना 76, 45 गुना 85, इन सब को मल्टीप्लाई करोगे और ऐड करोगे और फिर कितने से डिवाइड कर दोगे, 27 प्लस 36 प्लस 45 से। लेकिन बताने में बोलने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है ये, लेकिन इसमें टाइम भी तो बहुत ज्यादा लग रहा है ना, सबसे मेन बात ये भी तो आपके सामने। तो इसीलिए मैंने आपको जो अपनी तरफ से तरीका बताया था, हाँ जी बताइए, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, क्लियर है ना कंसेप्ट? चलिए चलिए चलिए, ओके जी। अब मैं यहां पर क्या करने जा रहा हूं, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने इनको रेशियो में डिवाइड कर लिया ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी छोटी हो जाए। कैलकुलेशन छोटी लेकर चलोगे आप यहां से, और फिर से मैं वही काम कर रहा हूं कि मैंने एवरेज 80 मान लिया जी अपनी तरफ से, एवरेज एज्यूम कर लेते हैं। अर्थमैटिक में अजम्पशन का खेल है सारा का सारा, ये ध्यान रखना, कंप्लीट अजम्पशन पर चलते हैं। मैंने 80 मान लिया यहां से, तो आप एक बात सोच कर देखो, अब यही बात देखनी है आपको कि आपने 80 मान लिया लेकिन ये तो 83 है, प्लस का 3 ज्यादा है या नहीं है, प्लस का 3 ज्यादा है, कितने स्टूडेंट में, 3 स्टूडेंट में, तो ये प्लस का 9 आ गया। ये 76 है, कितना कम है, -4, कितने स्टूडेंट में, 4 में, ये माइनस का 16 आ गया। ये कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, कितने स्टूडेंट में, 5 में, तो ये प्लस का 25 आ गया। जरा ध्यान से देखो, जो काम मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था वही काम मैं इसमें करने जा रहा हूं। आंसर देने लग गए हैं जी, आंसर आए हैं, नितिन कुमार ने 80 बताया है, अनुज पन्नु ने 81.5, विक्रम शिवाच 81.5, 81.3, 81.5, सोनू मोर, अंशु खत्री। चलिए देखते हैं जी, देखते हैं कि आंसर क्या आएगा, चेक कर लेते हैं। माइनस के तो 16 हैं, 25 हैं और साथ में क्या, प्लस के 9 हैं, इन सब को ऐड करोगे, 9 और 9 18, 18 हो जाएगा ये, क्योंकि 25 में 16 गए 9 और 9 प्लस 9 18 हो गया, लेकिन कितने स्टूडेंट में, 4 3 7 और 5 12 में, एवरेज भी तो चेक करनी है ना, एवरेज भी तो चेक करोगे, और 6 18 6 2 12 यानी कि 1.5, 3 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा जी। तो अब की बार प्लस का साइन था तो प्लस इसमें 1.5 आप ऐड कर देंगे, फाइनल आंसर आपका कितना आ गया जी, 81.5। यस स्टूडेंट, 81.5, पिछले क्वेश्चन का आंसर लिखने में गलती हो गई थी सर जी, ओके ओके ओके, इसका मतलब यह है कि सोल्व तो आपने ठीक किया था लेकिन बाई चांस गलत लिख दिया। मनोज तवर ने भी 81.5 आंसर बताया है, बिल्कुल जी, ठीक है ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। इसका मतलब कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से, और मेन बात यही है कि कंसेप्ट ही समझ में आना चाहिए, अगर कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो फिर फायदा क्या हुआ समझाने का। चलिए जी, नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है मैं सोच रहा हूं कि आज कंप्लीट कर दे, क्योंकि इससे नेक्स्ट जो क्लास होगी वो क्लास में फिर जितने भी क्वेश्चंस आगे आएंगे वो स्टेटमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, और स्टेटमेंट आपको सामने मिलेंगी, यहां पर स्टेटमेंट आपको लिखी मिलेंगी, हिंदी में भी मिलेंगी और इंग्लिश में मिलेंगी, कोई बड़ी बात नहीं है, और अगर मान लिया इंग्लिश में मिली तो भी बड़ी बात नहीं है, हिंदी में मैं रिपीट कर दूंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि लैंग्वेज को सीखना बहुत जरूरी है। तो चलिए मैं अब कुछ एक क्वेश्चंस और लेकर चल रहा हूं, नंबर सिस्टम का पहले मैं आपको कुछ एक दो फार्मूले लिखवा दूं। जैसे आपने लिखा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 up to n, यानी कि नेचुरल नंबर स्टार्ट किया आपने और 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इन सभी का ऐड करना है, तो सिंपल सा फार्मूला होता है n (n+1/2), सभी जानते हैं शायद, जानते हैं नहीं जानते हैं। सेकंड फार्मूला होता है जी, अगर नेचुरल नंबर्स का स्केयर्स जो है उनका ऐड किया जाए, जैसे 1² + 2² + 3² and up to n² अगर ऐसे दे रखा है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, n (n+1) × 2n+1/6, ये लो जी ये फार्मूले, मैंने ये दो फार्मूले लिख दिए। हालांकि आई होप सभी स्टूडेंट शायद इस टाइप के प्रैक्टिस, सोनू मोर प्रैक्टिस कर भाई, अच्छा एक दूसरे पर कमेंट्स ना डालो, प्रैक्टिस भी हो जाएगी कोई बड़ी बात नहीं है।
तो देखिए, अनुज पन्नू ने बोला कि गुरुजी मैं ये क्वेश्चंस बात में भूल जाता हूं। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है भूलने का। इसका मतलब यह है कि आप दोबारा से इस वीडियो को देखो रिवाइंड करके, और फिर आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सेकंडों में बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए, आज ये मैंने ये क्यों लिखे दो फार्मूले, एक तो मैंने ये लिखा और एक मैंने ये लिखा। इसको अप्लाई करेंगे। अप्लाई कैसे करेंगे, जैसे देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो लिखने जा रहा हूं एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार। और स्टूडेंट फिर एक बात और बोलते हैं कि सर ये स्टेटमेंट नहीं समझ में आई। वो कैसे पूछा जाता है, जरा देखो, 1, 2, 2, 3, 3, 3 एंड डॉट 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, यानी कि आप लिख सकते हो 7 times। इसकी एवरेज क्या होगी, ये देखो जो क्वेश्चन मैंने अपने पीछे लिखा है, इसकी एवरेज क्या होगी ये फाइंड आउट करना है। और इस टाइप के क्वेश्चंस की स्टेटमेंट ही समझ में आनी बहुत बड़ी बात है। एग्जाम में कुछ ऐसे ही आएगा, ये ध्यान रखना। और स्टूडेंट छोड़ के आएंगे, लेकिन भाई हम नहीं छोड़ने देंगे। स्टेटमेंट जैसी जैसी आएगी मैं आपको बताकर चलूंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व करें, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो जी, इस बात का मतलब पता क्या है, इस बात का मतलब यह है कि 1, 2+2, 3+3+3 और बीच में 4 भी आएगा, और 4 कितनी बार आएगा, 4 times आएगा। 5 भी आएगा, 5 कितनी बार आएगा, 5 times। 6 आएगा, 6 times। और 7 को कितनी बार ऐड किया गया है, 7 को ऐड किया है, 7 times। तो इस तरीके से ये मतलब निकला इस बात का। तो आप एक बात बताओ, मैं फिर इसको ऐसे लिख सकता हूं या नहीं, 1, ये 2+2, 4 हो जाएगा, 3 3 बार ऐड करोगे तो 9 हो जाएगा, एंड सो ऑन, ये 49 हो जाएगा। और एवरेज का जो फार्मूला लेकर हम चलते हैं वो क्या है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, यानी कि सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, टोटल डिवाइडेड बाय एन। सिंपल आप एक बात बोल सकते हो, तो टोटल तो आपने कर लिया, लेकिन एन कैसे फाइंड आउट करना है, एन किस तरीके से फाइंड आउट करोगे। 1 में एक ही डिजिट था, 2+2 में 2 हो गए, 3+3+3 में 3 हो गए, 4+4 4 बार होगा तो 4 डिजिट हो गए, और ऐसे करते करते 7 वाले में कितने हो गए, 7 हो गए, क्योंकि टोटल डिवाइडेड बाई एन। हम क्या लेकर चलते हैं यहां पर, टोटल डिवाइडेड बाई एन लेकर चलते हैं, तब जाकर क्वेश्चन सोल्व होगा। अब एक बात बताओ, क्या मैं इसे 1 का स्क्वेयर, 4 को मैं 2 का स्क्वेयर, 9 को मैं 3 का स्क्वेयर, और लास्ट में 49 को मैं 7 का स्क्वेयर लिख सकता हूं या नहीं, लिखा जा सकता है। और यहां पर नीचे ये तो 1+2+3+4 up to 7 ये हो गया, नहीं हो गया, तो n बाद में डाल लेंगे, n तो क्या है 7 है यहां पर। लेकिन एक बात सोचकर देखो, ऊपर तो बन गया फार्मूला नंबर 1 और नीचे बन गया फार्मूला, सॉरी ऊपर न्यूमरेटर में तो बन गया फार्मूला नंबर 2 और डिनोमिनेटर में बन गया फार्मूला नंबर 1, n(n+1)/2, n(n+1)/2, n+1)/6। नितिन कुमार ने पूछा क्वेश्चन फिर से बताओ, ऐसे आता है क्वेश्चन 1, 2, 2, 3, 3, 3, 7, 7, 7, 7 बार, यानी कि जो संख्या 1 है तो वो एक बार आएगी, 2 है तो 2 बार आएगी, 3 है तो 3 बार आएगा, 4 है तो 4 बार आएगा, और बीच में मैंने डॉट डॉट लगा दिए, और 7 है तो 7 बार आएगा। अगर 8 होता तो 8 बार आता, 10 पर खत्म करता तो मैं वो 10 बार लेकर चलते उसको। इसका एवरेज फाइंड आउट करना है। तो सिंपल भाषा में इसका मीनिंग क्या हुआ, यहां पर 1+2, 2 जो लिखा है 2+2 है इसका मीनिंग, 3, 3, 3 जो लिखा है 3+3+3 है इसका मीनिंग, 7, 7, 7 जो लिखा है 7+7+7 कितनी बार है, 7 बार है। तो इसीलिए ऊपर तो मैंने इनको ऐड कर दिया, 1 हो गया, 2+2, 4 हो गया, 3+3+3, 9 हो गया, 7 को 7 बार ऐड करोगे तो 49 हो जाएगा। तो टोटल तो ऊपर आप ले आए, लेकिन एवरेज फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है, टोटल डिवाइडेड बाई एन की डिजिट कितने हैं, नंबर कितने हैं, डाटा कितने हैं, 1 है, इसमें कितने हैं, 2 हैं, इसमें कितने हैं, 3 हैं, इसमें कितने हैं, 7 हैं, और बीच में मैंने प्लस लगाकर डॉट 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 इस तरीके से लेकर चले। तो ऊपर वाला फार्मूला तो ये बन गया, यानी कि नेचुरल नंबर्स की संख्याओं के स्क्वेयर का जोड़,
और नीचे वाला फार्मूला बन गया प्राकृतिक संख्याओं का जोड़। तो मैं एन यहां पर, ये एन तक लिखा था मैंने, यहां पर सेवन है, कोई बात नहीं, एन को सेवन बाद में पुट कर लेंगे, लेकिन एक बात जरा ध्यान से देखो, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स मल्टीप्लाई, अब एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, यानी कि यही बात बनेगी या नहीं बनेगी, डिवाइड करोगे तो आप इसको, आपने डिवाइड कर दिया। अंशु खत्री सर ये प्लस क्यों किया, क्योंकि मैं वही तो बता रहा था ना मैं कि इसका मीनिंग सेंस यही निकलती है एग्जाम में, लेकिन उनका लिखने का तरीका होता है, हालांकि देना तो उनको ये चाहिए था बिल्कुल क्लियर, लेकिन वो देते नहीं इस तरीके से, इसीलिए अगर इससे आगे आएगा फोर प्लस फोर प्लस फोर प्लस फोर, यानी कि फोर को चार को मैं चार बार ऐड करूंगा, इसी तरीके से आप ऐसे लेकर चलेंगे इस बात को। तो अब जरा ध्यान से देखना, n प्लस वन से n प्लस वन कैंसिल हो गया, n से n कैंसिल हो गया, दो से छह को डिवाइड करोगे तीन, यानी कि टू एन प्लस वन बाई कितना आ गया थ्री, टू एन प्लस वन बाई थ्री। तो देखो मेरा मेन मोटिव जो था, मेरा जो मेन टारगेट था वो इस छोटे से फार्मूले पर आने का था, अब इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी, सेकंडों में लेकर चला था, लेकिन कुछ बातें समझाने के लिए भी तो होती हैं। और अब ये जो फार्मूला बन चुका है 2n plus 1 upon 3, इसमें n की जगह पर कितना पुट कर दोगे, 7 पुट कर देंगे, तो 7 पुट करेंगे तो 7 गुना 2 14 जमा 1 15 बटे 3, और 3 से डिवाइड किया, इस कंप्लीट की जो एवरेज है वो कितनी आ जाएगी जी, 5 आ जाएगी, कंप्लीट जो एवरेज है वो कितना आ गया, 5 आ गया। तो ऐसे आप इन कंसेप्ट को लेकर चलते हैं, लेकिन अभी भी शायद आपको कुछ थोड़ी बहुत कमी अगर लगी होगी तो मैं एग्जाम्पल एक और लेकर चलता हूं, ऐसा ही देखो कैसे क्वेश्चंस को लेकर चले, और फार्मूला आपका क्या बन चुका है, 2n प्लस 1 बाई 3 बन चुका है फार्मूला, ये बन चुका आपका, तो 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 और लास्ट में मैंने लिखा 10 10 टाइम्स, ये लो जी ऐसे लिख दिया, इस बात का मतलब ये होगा कि 10 जो है वो कितनी बार है जी, 10 बार है, 10 बार खत्म कर दिया मैंने, 10 बार तक चले हम इसको, तो स्टेटमेंट को ही समझना होता है। तो मतलब इसका पता क्या है, वही बात मैं बता रहा था कि इसकी मीनिंग को सेंस को समझो, 1 2 प्लस 2 3 प्लस 3 प्लस 3 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 और लास्ट में आप करते 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 और कितनी बार करते 10 बार, और इनको फिर आप ऐड करते, टोटल नंबर काउंट करते और फिर डिवाइड करते, लेकिन मैं कहता हूं बहुत ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन आप एक बात बताओ, फार्मूला आप लिख चुके हो, फार्मूला क्या आ चुका है, 2n प्लस 1 बाई 3 आ चुका है, n कितना है लास्ट 10, तो 10 गुना 2 20 और 1 21 बटे 3, मुझे ये बताओ ये बड़े से बड़ा क्वेश्चन सोल्व करने में आपने कितना टाइम लिया, विद इन सेकंड में सोल्व हो गया, 4 से 5 सेकंड में आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व कर देते हैं। हाँ जी आंसर आ चुके हैं बिल्कुल, विक्रम सिवाज ने भी 7, नितिन कुमार भी 7, सोनू मोर भी 7, अनुज पन्नू भी 7, अमित खत्री भी 7, वेरी गुड वेरी गुड। इसका मतलब जो कंसेप्ट मेरा जो आज का था, मेरा जो मेन मोटिव था वो क्लियर हुआ है आपको, और एवरेज को किस तरीके से किया जाता है वो मैं चेंज कर दूंगा आपका नजरिया, मैंने बहुत बार बोला है कि हर स्टूडेंट और हर टीचर अपने अपने तरीके से सोचते हैं, लेकिन सोचना जो है वो जरूरी नहीं होता कि कोई फिक्स होता है। और मैथमेटिक्स में एक बात और बोली जाती है कि सर फार्मूले आने चाहिए, मैं ये कहता हूं कि फार्मूले बिल्कुल नहीं आने चाहिए, एजम्पशन का खेल है अर्थमेटिक का, पूरे अर्थमेटिक में हम चुटकी भर एकदम से ही क्वेश्चंस को एजम्पशन से हम सोल्व कर देंगे, अगर फार्मूले आप याद करोगे तो पूरे मैथ में कम से कम 400-500 से ज्यादा फार्मूले हो जाएंगे, और मुझे नहीं लगता कि कोई बंदा इतने ज्यादा फार्मूले याद रख सकता है, क्योंकि फैक्ट बताऊं तो मुझे भी याद नहीं है, क्योंकि फार्मूले याद होना बहुत जरूरी नहीं है, क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत जरूरी है, लॉजिकल वे से आप सोचकर चलो उन चीजों को। फार्मूला क्या है, रिवाइज कर लिया तो आपको याद है, रिवाइज नहीं किया आपने, 10 दिन नहीं किया, 20 दिन नहीं किया, तो इसका मतलब आप भूल जाओगे, फिर से आपको रिवीजन की जरूरत है, लेकिन ये जो कंसेप्ट मैंने आपको बताए हैं इन कंसेप्ट को आप बड़े अच्छे तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए जी ये नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी मेरे क्वेश्चन थे, एवरेज में 2 क्लास हो चुकी हैं, अब आने वाले टाइम में हम क्या लेकर चलेंगे, स्टेटमेंट पर जो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं
उनको लेकर चलेंगे। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको लाइक भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के बीच में इनको बता भी सकते हो कि भाई ऐसे ऐसे हमने एवरेज को इस टाइप से करना सीखा है। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, गुड डे।